लोकसभा के चुनाव अब दूर नहीं है, ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। लेकिन चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने आबकारी नीति के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के बिना ही चुनाव का कैंपेन लॉन्च कर दिया है। इस मौके पर संजय सिंह गोपाल राय मौजूद रहे। यही नहीं, कैंपेन को लॉन्च करते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी योजना भी बताई। इस कैंपेन के जरिए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जनता से मिलने के लिए उनके घर जाएंगे। हर किसी के घर पर जाकर नेता और कार्यकर्ता जनता से मिलकर उनके सामने अपनी बात को रखेंगे। बता दें कि पार्टी के नेताओं ने कहा कि जिस दिन वोट डाला जाएगा उस दिन तानाशाह को जेल का जवाब दिया जाएगा। गोपाल राय ने कहा कि इस बार दिल्ली का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं, आंदोलन रहेगा। वहीं संजय सिंह ने दिल्ली की जनता से विनती की, जब भी वोट डालने जाएं अरविंद केजरीवाल का चेहरा जरूर याद करके जाएं। उन्होंने दिल्ली के लिए जो किया उसे याद करके जाएं। आम आदमी पार्टी ने जेल का जवाब वोट से नाम की कैंपेन शुरू किया है। इसके लिए पार्टी ने कई जगहों पर पोस्टर भी लगाया है। आम आदमी पार्टी अपने इस कैंपेन के जरिए अरविंद केजरीवाल की तस्वीर का इस्तेमाल कर रही है। पार्टी की तरफ से जारी किए गए पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद दिखाया गया है। गिरफ्तारी के पहले मुख्यमंत्री ने खुद आम आदमी पार्टी का चुनावी अभियान शुरू करते हुए संसद में भी केजरीवाल का नारा दिया था। केजरीवाल के जेल जाने के बाद पार्टी ने इसमें बदलाव किया।